मेरे गल पे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बनाकर रील्स पे अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने वीएन ऐप को डाउन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग ऐप ओपन हो चुका है इस तरीके से। तो इतना दोस्तों करने के बाद क्या करना है आप लोगों ने, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपने एक फोटो को चूज़ करना है, ठीक है, बनानी है। तो एक फोटो लेनी है आपने, जिस भी पर्सन की आपको बनाना, सिंपली एक फोटो ले लेनी है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके पैक पे आएंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे और एक फोटो यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जसमानक भाई की फ़ोटो को ले लेता हूँ। देख सकते हैं फोटो हमारी आ चुकी है इस टाइप से, देख सकते हैं आप लोग। एंड इतना करने के बाद क्या करना है आप लोगों ने, इसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे लगभग यहाँ पे 10 11 12 के अराउंड मैंने कर दिया है। एंड ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9016 एंड नीचे आपको मिल जाएगा क्रॉप, इस पर भी क्लिक 9016। तो ये हो गया दोनों दोस्तों। इस पर म्यूज़िक पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पे जाना है एंड प्लस वाला आइकन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वीडियो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये वीडियो है देख सकते हैं आप लोग, ये जो वीडियो है इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ओके वाला निशान ऑप्शन आएगा ये वाला। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके जो वीडियो वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, म्यूज़िक बीट्स पे क्लिक करना है, कुछ यहाँ पे आपको बीट दिख रही होंगी, बीट लगानी है। सो फर्स्ट वाली बीट है 0.80 सेकंड पे आपने लगानी है। यहाँ पर 0.80 सेकंड पे रोकना है सिंपल से, इस पर टैप कर देना है, यहाँ पे बीट लग जाएगी, ठीक है। एंड सेकंड वाली जो बीट है 1.57 सेकंड पे, तीसरी वाली बीट जो है वो 2.91 सेकंड पे, और जो फोर्थ वाली बीट है वो 3.52 सेकंड पे, जो फाइव वाली बीट है मैं आपको दिखाया था वो 4.19 सेकंड पे, और सिक्स वाली बीट है वो 4.84 सेकंड पे, और सेवन वाली बीट है वो 5.47 सेकंड पे, जो एट वाली बीट है वो 6.15 सेकंड पे, और जो नाइन वाली बीट है वो 6.76 सेकंड पे, टेन वाली बीट है 7.36 सेकंड पे, और इलेवन वाली बीट है 8.02 सेकंड पे। इस टाइप से बीट को लगा लेना है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट वाली जो बीट है इसके सिंपल से कट लगा लेना है इस तरीके से, और जहाँ जहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है वहाँ पर अपने कट लगाते जाना है, ठीक है। देख सकते हैं कहीं कहीं पर दोस्तों हो सकता है कट ना लगे, तो उसको तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पहले तो दोस्तों जहाँ पर कट लग रहा है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ पर दोस्तों लग रहा है, यहाँ पर हमने लगा लिया। एंड जो ये देख सकते हैं इसके नीचे जो है कट नहीं लग पा रहा है, इसको हम इस तरीके से कर देंगे एंड इसका डुप्लीकेट बना के इसके साथ अगले वाले साथ मैच कर देंगे। देख सकते हैं ये पहले से जो है यहाँ पर मैच है ये, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम इसको देखेंगे, इस तरीके से मैच कर देंगे। एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको पीछे ले आएंगे, ट्रिप डुप्लीकेट पिक करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे और इसको इस तरीके से मैच कर देंगे, ठीक है। फिर डुप्लीकेट पिक क्लिक करेंगे, इसको इसके साथ पे मैच कर देंगे, देख लेना आप लोगों ने ये बराबर है। और यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर देंगे, फिर डुप्लीकेट पिक करेंगे, बढ़ा देंगे लेंथ को एंड यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। ये हो चुका है, इसको इसके साथ पे मैच कर देंगे, फिर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। इसको इसके साथ मैच कर देंगे, उससे इसे पीछे लेके आएंगे और जहाँ तक हमारा म्यूजिक है वहीं तक इसको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। इतना दोस्तों करने के बाद क्या करना आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ इस पर लगाने इफेक्ट वगैरह। तो दोस्तों मैं फटाफट से इफेक्ट लगाता हूँ और फिर मैं आपसे जो है आगे बात करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इफेक्ट वगैरह जो यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। सो फर्स्ट वाली वीडियो पे आपने लगा देना है, फोटो पे जूम पे क्लिक करना है, जूम इन लगा देना, जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपने लगा देना है वाइट वाला, ठीक है। लेंथ फुल रखनी है एंड जो नेक्स्ट वाली फोटो है जूम पे क्लिक करना है, मूव राइट लगा देना है। जो इसके बाद दूसरी जो लंबी वाली आपको फोटो दी इस पर आपने अभी कुछ नहीं करना है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले आगे वाली फोटो को हम कर लेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली फोटो है इस पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आप लोगों ने, एफ एक्स पे क्लिक करना है, जीटल लगा देना है और जो प्लस वाला आइकन है इस पर आपने लगा देना जूम इन वाला, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपने जीटल लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है उस पर यहाँ पे जूम इन, उसके बाद फिर फोटो पर जीटल लगाना है, फिर यहाँ पे प्लस वाला आइकन जूम इन, ठीक है। फिर यहाँ पे जीटल लगाना है, फिर प्लस वाला आइकन में जूम इन, फिर यहाँ पे जीटल, फिर प्लस वाला आइकन में जूम इन, फिर जीटल, फिर जूम इन,
फिर जीटल, फिर जूम इन, फिर जीटल, फिर जूम इन, फिर जीटल, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे लगा देना, पूरे को कर देना है। और यहाँ पे इफेक्ट हमारे लग गए हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो फोटो आपको दिख रही है इस पर करना है, पहली फोटो को आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल रहना है, दूसरी फोटो को जूम इन कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, फिर दूसरी फोटो को जूम इन कर देना है, फिर इसको कुछ, एक को कुछ नहीं करना है, फिर एक को जूम इन कर देना है, फिर एक को कुछ नहीं करना है, फिर एक को जूम इन कर देना है, फिर यहाँ पे एक को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपने कर लेना है। और यहाँ पे जो आपकी बड़ी वाली जो फोटो यहाँ पर छूट गई थी ये वाली, इसको क्या करेंगे हम, इसको इस पर क्लिक करेंगे, इसकी जो छोटी सबसे छोटी लेंथ कर लेंगे, ठीक है। उससे फिर इसके हम डुप्लीकेट बना लेंगे काफ़ी सारे, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस स्टेप से आपने यहाँ पर डुप्लीकेट बनाते जाने हैं, बनाते जाने हैं एंड बनाते जाने हैं। और फिर इसमें हम इफेक्ट वगैरह जो है, जो हमारा इफेक्ट है वो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लगभग ये हो चुका है पूरे में, ठीक है। अब दूसरे करना है आपने, करना है यहाँ पे एक को छोड़ना है, एक को छोड़ के एक को क्या करना है आपने, यहाँ पे फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ना है, एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ना है, एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप करना है, फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप करना है, ठीक है। फिर एक को छोड़ के एक को फ्लिप, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो वीडियो यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आप अगर फ्लिप कर रहे हो तो आप उसको जूम कर दोगे इधर इस तरीके से, ये भी काफ़ी अमेजिंग लगेगा। एक से एक बार इधर कर दिया मैंने जूम, एक बार इधर कर देंगे, एक बार इधर कर दिया फिर से, फिर एक बार राइट में कर दिया हमने, फिर एक बार लेफ्ट में कर दिया, एक को छोड़ के, ठीक है। जो फ्लिप वाला है, जिसको हमने फ्लिप किया उसको जूम करना है, ठीक है। कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देंगे, फिर इसको छोड़ के इसको हम इधर कर देंगे, फिर यहाँ पे राइट लेफ्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे एक को छोड़ के एक को फिर से जूम कर देंगे, राइट में कर देंगे, फिर यहाँ पे एक को छोड़ के एक को फिर से जो है, तो आपने देख लेना है कि गलती ना हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे हो गया है, फिर एक को छोड़ के एक को यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, फिर एक को छोड़ के एक को इधर कर देंगे, एक को छोड़ के एक को इधर कर देंगे। तो इतना दोस्तों ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो वीडियो बन के कंप्लीट हो गई है, एक बार आपको चला के दिखाता हूँ कि किस स्टेप से हमारी जो वीडियो बन के आई है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो इस स्टेप से बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है दोस्तों वीडियो बनाना, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।